दोस्तों, अगर आप ही अपने फ्री फायर गेम के अंदर कस्टम रूम कार्ड क्रिएट कर रहे हैं और आपके सामने रूम फुल का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक छोटा सा तरीका जिसको यूज़ करने के बाद आप सभी को रूम फुल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और आप इजिली जो है कस्टम क्रिएट कर पाएंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी और इस वीडियो में आपको जो है लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है, कस्टम पर आपको जो है आना है, यहाँ पर आपको जो है क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जस्ट आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सभी को जो अपना बेसिक डिटेल्स डाल लेना है, जैसे कि पासवर्ड, गेम्स का सेटिंग आपको कर लेना है कि कौन सा आप गेम खेलना चाहते हैं, लिमिटेड एमओ क्या रखना चाहते हैं, आप जो है बेसिक सेटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कर भी देता हूँ, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं लिमिटेड एमओ नो, एयर ड्रॉप नो, एंड यहाँ पर जो हमारा बेसिक सेटिंग्स है जो कि हम लोग कस्टम के अंदर खेलते हैं उस सभी को आपको जो है कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको जो है यहाँ पर रूम वाले ऑप्शन पर आना है, एंड यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट एरा सेलेक्ट करना है। अब आपको जो है यहाँ पर कन्फर्म करना है। अब ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आप कन्फर्म करेंगे आपका जो है रूम क्रिएट हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, बहुत सारे प्लेयर जो है कस्टम रूम कार्ड को बरमूडा मैप में ही सेलेक्ट करते हैं और बनाते हैं, जिसके वजह से जो है काफ़ी सारा लोड जो है एक ही सर्वर एंड एक ही मैप पर जो है पड़ता है। अगर आप नेक्स्टेरा मैप को यूज़ करेंगे तो बहुत कम ही प्लेयर जो है नेक्स्टेरा मैप के अंदर कस्टम को खेलते हैं और आप इजीली जो है नेक्स्टेरा मैप के अंदर जो है कस्टम को खेल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।